सोच से कभी मन के विश्वास से उड़ने ख्वाबों को पर लगाए जो पर आकाश से कभी हौसले से कभी सोच से कभी मन के विश्वास से उड़ने ख्वाबों को पर लगाए जो पर आकाश से संसार को दुश्वार जो बनाते हैं अपना मुकाम इंडिया इन्होंने किया है तेरा नाम इंडिया सलाम इंडिया सलाम रोटी बैंक सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रोटी बैंक। हां जी मैं क्या रोटी बैंक। सत श्री अकाल बाजी। सत श्री अकाल भाभी जी। शुक्रिया बहुत बहुत जी धन्यवाद तुहाडा। रोटी बैंक। गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग जेनी। हाउ आर यू। फाइन थैंक यू। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। रोटी बैंक। राम राम काका। राम राम राम। अरे दो रोटियां रख दी मैंने। बहुत अच्छा धन्यवाद। राम राम। राम राम। संघर्ष हमारी सबसे पुरानी लड़ाई है और इसलिए किसी भी भूखे को रोटी खिलाना सबसे बड़ा धर्म माना गया है। आज की हमारी ये कहानी भूख की तड़प और रोटी खिलाने की संतुष्टि के बीच की मानवीय संवेदनाओं की एक यात्रा है। महोबा जिला बुंदेलखंड में रहने वाले हाजी मुट्टन के प्रयास से कुछ लोगों ने मिलकर हर घर से दो दो रोटियां इकट्ठा कर रोटी बैंक का निर्माण किया। आज महोबा में इस रोटी बैंक की वजह से कोई भी गरीब या बेसहारा इंसान भूखा नहीं सोता। देखो ये दवाई दे रहा हूँ, ये दवाई टाइम से दे देना। पहले वाली भी दवाई ऐसी ही पड़ी हुई है। क्यों, कल दवाई दी नहीं थी? आपने कहा था ना खाना खिलाने के बाद देना। हाँ तो खाना खिलाने के बाद दे देना चाहिए था। खाना नहीं है क्या घर में? नहीं, जब से पिताजी गुजरे तब से घर की हालत ठीक नहीं है। माई कुछ काम करके पैसे लेकर आती थी पर अब इस बीमारी के वजह से वो कहीं काम नहीं कर सकती।
इसलिए मैंने सोचा कि खाली पेट दवा दूंगी तो कोई गड़बड़ ना हो जाए। बेटा तुमने सोचा तो ठीक ही, जब पेट खाली होता है ना तो दिमाग काम नहीं करता है। तो एक काम कर, माँ का ख्याल रख, मैं कुछ लेके आता हूँ। मुटन चाचा रहने दीजिए, जब दुकान खुल जाएगी तो मैं कुछ लेकर आ जाऊंगी। कहाँ से लाएगी, पैसे हैं तेरे पास? नहीं चाचा, घर में कुछ बर्तन है, माई ने कहा था उसे बेचने के लिए, जो कुछ भी मिलेगा वो मैं ले आऊंगी। बेटा पुराने बर्तन बेचकर क्या मिल जाएगा, तू अपना ख्याल रख, मैं जल्दी लौट के आता हूँ। अरे चाचा, चाचा आज बहुत जल्दी लौट आए। अरे आजा आजा यशपाल, सही मौके पर तशरीफ लाया, आजा थोड़ी मदद कर दे मेरी। अरे बताओ कब तक है? कुछ नहीं, बस ये सब्जी काट दे जल्दी से। अच्छा लो फिर तभी कर देते। अरे सामान अपना ये पड़ा है, थालियां ये पड़ी हैं, अभी काटना शुरू हो गया, ये लो शुरू हो गया अप्पा। अरे चाचा आप भी कमाल करते हो, पहले सब्जी बना लेनी थी फिर रोटी सेक लेते। अरे यशपाल जब भूख लगी होती है ना तो सब्जी नहीं दिखती, पहले रोटी याद आती है। ये भी सही है, पर आज आपको इतनी जल्दी भूख लग कैसे गई? भूख मुझे नहीं किसी और को लगी है, तू बस सब्जी काट जल्दी से, जल्दी कर। अरे काट रहा हूँ चाचा, बस ये देखो। माई तू चिंता मत कर, तू ठीक हो जाएगी, बस अब थोड़ी देर और रुक जा, मुटन चाचा लौट कर आने ही वाले। अच्छा चाचा एक बात बताओ, अगर भूख आपको नहीं लगी है तो किसको लगी है? घर में कोई रिश्तेदार आ रहा है क्या? मेरा कौन रिश्तेदार है, तुम तो जानते हो मैं अकेला फकीर इंसान हूँ, कौन है मेरा यहाँ? अरे चाचा हम सब है ना आपके साथ, ये पूरा महोबा आपका है, यहाँ के एक एक बच्चे को पता है कि आप बिना लालच के उनका इलाज करते हो, उनके लिए दवाई लेकर आते हो, है ना? आज सब्जी बहुत स्वाद बनेगी चाचा, देखो। यशपाल आज से मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ। हाँ चाचा बताओ, हम सब आपके साथ हैं, पूरी जी जान लगा के आपके साथ लड़ेंगे खड़ेंगे, बताओ करना क्या है? भूखों को रोटी खिलानी है, दो रोटियां बस, अगर कुछ घरों से दो रोटियां मिल जाएं तो हम उन्हें भूखों तक पहुंचा सकते हैं। तुम साथ दोगे ना मेरा? हाँ चाचा नेकी और पूछ पूछ, आप बस बताओ कब से करना है? आज से, बल्कि अभी से। अरे चाचा सबसे पहले फिर अपनी सब्जी शुरू करेंगे, आहा आज बहुत स्वादी बनी है, देखो चाचा। हाँ चाचा मैं दवाई दे दूं? अभी नहीं, थोड़ा ठहर के खिलाना। एक काम करो तब तक तुम भी खा लो, तुम्हें भी भूख लगी होगी। चाचा मैं बाद में खा लूंगी।
मुझे भी भूख नहीं लग रही। कैसे भूख नहीं है बेटा, पहले कुछ खा लो। चल शाबाश, पहले रोटी खा के आ। शाबाश। ओ भाभी जी खा लो, अपने मुत्तन चाचा की दुआ है, सब ठीक हो जाएगा, ये लो। पियो। बस भाभी जी बस, हुण तुसी ठीक होए ना बिल्कुल। बरसों पहले मेरे दोस्त अनिल को अपनी ही थाली से रोज दो रोटियां चुराते देखता था। वो उसे किसी भूखे को चुपके से खिला दिया करता था। आज मुझे भी एक परिवार के दो लोगों को रोटियां खिलाकर जो सुकून मिला है, वो शायद पेट भरकर खाने से भी नहीं मिलता। और आज ये महसूस हो गया है कि इंसान का सबसे बड़ा धर्म भूखे को खाना खिलाना होता है, धर्म या मजहब से ऊपर उठकर। आज जब मेरी रसोई में बनी रोटियों से किसी का पेट भरा तो ऐसा लगा मानो जीते जी जन्नत नसीब हो गई हो। यशपाल, आज से मैंने एक फैसला किया है कि आज के बाद हमारे इलाके में कोई इंसान भूखा नहीं सोएगा। अगर उनके लिए हर घर से दो रोटी का भरोसा मिल जाए तो सोचो कितने भूखों को आसरा मिल सकता है। काम थोड़ा मुश्किल है पर करना तो जरूरी है। यशपाल, जैसे तुम मेरे साथ आए हो, बाकी लोग भी तो आ सकते हैं। हाँ जी। देखिए, एक भूखे इंसान को रोटी खिलाना एक नेक दिल इंसान का ही काम है और यही मौका है कि हम अपनी जिंदा दिली का सबूत दें। मेरे जहन में जो ख्याल आया है उसे हम सब मिलकर ही अंजाम दे सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं मिस्टर मुट्टन चाचा से बिल्कुल एग्री करता हूँ। हम सब लकी है कि हमें ये काम करने का मौका मिल रहा है। फादर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। पर हम सब काम करते हैं, हम सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। भाई जगन्नाथ, आप खेती बाड़ी करते हो, दिन में ही करते हो ना? हाँ। हमें आपका एक घंटा शाम को चाहिए। एक घंटा चाहिए? मैं आपको दो घंटा देता हूँ, बताइए करना क्या है। शाम होते ही हमें हर घर से दो रोटी मांगना है, बस। ये काम तो हम लोग भी कर सकते हैं, ऑफिस से छुट्टी होने के बाद ये काम मैं तो कर सकता हूँ। लेकिन चाचा, ऐसे मांगने से लोग हमें रोटियां देंगे क्या? पंकज बेटा, हर घर में जाकर अगर हम दो रोटी मांगते हैं और किसी भूखे को खिलाते हैं तो इससे अच्छा काम और कोई नहीं हो सकता। पर मुझे पूरा भरोसा है कि लोग हमारी बातों से इत्तेफाक रखेंगे और उन्हें खुशी भी होगी। अरे चाचा, ये काम तो हम अपने घर से भी शुरू कर सकते हैं। हाँ हाँ, और चाचा ने ये काम अपने घर से शुरू कर भी दिया है। वो सुखिया की माँ बीमार थी ना, चाचा ने उसको अपने हाथ से रोटियां बनाकर खिलाई है जब वो भूखे पेट दवाई नहीं ले सकती थी। और इन्होंने सब्जी बनाने में हमारी मदद की है। फिर हम भी शुरू हो जाते हैं। अरे ऐसा करते हैं, हम लोग अपने अपने घरों से दो दो रोटियां लेकर आते हैं और आज ही श्री गणेश कर देते हैं इस मुहिम का, क्या बोलते हो? लेकिन हाँ, सबसे पहले हमें सही लोगों की पहचान करनी होगी, पता करना होगा कि कौन जरूरतमंद है, वरना पता चला कि हर कोई मुंह उठाकर ऐसे फोकट में रोटी मांगने आ गया।
ये काम तो तुम ही अच्छी तरह से कर सकते हो। सर्वे करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ही को देना चाहिए। जरूर फादर, ऑफिस से छूटकर मैं अपने लैपटॉप में लिस्ट बनाना शुरू कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं रोटी बैंक। रोटी बैंक, रोटी बैंक, रोटी बैंक। दिमाग खराब हो गया मट्टन चाचा का? धर्म भ्रष्ट करने पे तुले हुए हैं सबका। मैं कुछ समझी नहीं। तुझे समझाने में ना मुझे बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अरे पगली, अब रोटियां और सब्जियां कौन किसके घर से ले रहा, किसको खिला रहा, किसे पता? मतलब कैसे नहीं पता चलेगा? अगर लोग रोटियां लेंगे तो बिल्कुल पता चलेगा। पर देंगे किसको, वो कैसे पता चलेगा? जब किसी को रोटी देंगे तो पता चल जाएगा, कैसे नहीं पता चलेगा? चुप कर, कमजोर दिमाग। अच्छी बातें करने के लिए ना मुझे तू ही मिल जाती है। आ इधर पास आ। बोलो। अब पूरे महोबा में एक ही धर्म के लोग तो है नहीं, अलग अलग धर्म के लोग हैं, है कि नहीं? बोल। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। चुप कर, पांचवी के दोहे मत पढ़। अरे इसी से तो पता चलता है कि कितने धर्म के लोग हैं। हाँ पर उससे ज्यादा हैं। सच में? कौन से है बता। याद नहीं पर हैं। अच्छा सुन, जब अलग अलग धर्म के लोग हैं तो खाना भी तो सभी धर्मों से आएगा। हाँ और उसको खाने वाले लोग भी अलग अलग धर्म के होंगे, होंगे कि नहीं? हाँ। अब किसके रसोई में क्या पक रहा है किसे पता, और किसकी रोटियां किसको खिला रहे हैं किसको पता चलेगा? बोल। हाय भैया, ये सही कहा आपने। मैं आज ही मुन्नी के बापू को सब कुछ बोलूंगी। जरूर बोलना। अच्छा मैं लक्ष्मी से मिलकर आती हूँ, बहुत दिन हो गए उससे मिले, पर बोलना जरूर, ठीक है? नहीं नहीं तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल बताऊंगी आज रात को। जरूर बोलना। ठीक है शांति। साथ भाई कैसे हैं आप? लाओ खाना। एक मिनट चाचा, ये लीजिए चाचा। लो प्रसाद भाई खाना खा लो। चाचा मुझे लगता है खुद से खा नहीं पाएंगे। मैं खिला देता हूं। प्रसाद भाई क्या बात है, आप अकेले? घर के बाकी लोग कहाँ हैं? सब चले गए। दोनों बेटे शादी करके अलग रहने लगे और मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया है मरने के लिए। कैसे लोग हैं ये, जिस बाप ने पाल पोस कर इतना बड़ा किया उसे छोड़ के चल? चाचा लिस्ट बहुत लंबी है, ये तो अभी शुरुआत है।
विक्की का फोन आया था, रेलवे स्टेशन के पास वाली झोपड़ी में एक महिला भूख से तड़प कर मरने की स्थिति में है। फोन क्यों किया उसने? उसे बोलो ना जाके खाना खिलाया वहाँ। अरे आप टेंशन मत लीजिए, वो सब वहाँ पहुँच गए हैं। प्रसाद भाई अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा। आप आराम करो हा? आपके बेटों ने आपको छोड़ दिया है, पर रोटी बैंक आपकी जिम्मेदारी पूरी तरह सामने भाएगा। आज से आपकी भूख की जिम्मेदारी हमारी। चलिए अब आप आराम कीजिए। चुप हो जाइए, खा लीजिए। खाइए मान जी। कैसे लोग हैं ये, माँ बाप को छोड़कर अय्याशी करते फिरते हैं, जिंदा कैसे रहते हैं ये लोग? बहू ने बार बार कर हमें बाहर निकाल दिया, हम गिड़गिड़ाते रहे, उसने कुछ नहीं सुना। बेटा कहाँ है, उसने नहीं रोका? अरे काहे का बेटा, वो भी बहू के साथ मिल गया, वो भी घर छोड़ के चला गया, कुछ नहीं बोला, मुड़के भी नहीं देखा। बहू से हम हाथ जोड़ के विनती करते इस बुढ़ापे में हम कहाँ जाएंगे, पर उसने कुछ नहीं सुना, लात मार के हमको बाहर निकाल दिया इस घर से, जिसमें हमने मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पाला पोसा बड़ा किया। आज वो घर हमारी बहू का हो गया, वो कहती है बाहर जाकर भीख मांगो, पेट भर जाएगा। पेट तो भरेगा, पर आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमारा रोटी बैंक आपका पेट भरेगा ना। ऐसे कितने दिन जिएंगे हम, भीख मांगना अच्छा थोड़ी लगता है। और ये थका शरीर, वो कुछ काम करने नहीं देता, इससे तो अच्छा हमें भगवान ऊपर बुला ले, हम मर जाए। नहीं नहीं, आपको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हम किसी को भीख मांगते हुए नहीं देख सकते, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, हमारे लड़के हैं ना जो आपका ख्याल रखेंगे। हाँ चाची, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम हैं ना, हम रखेंगे आपका ख्याल। चाची हम लोगों ने रोटी बैंक बनाया है और ये मुहिम आप जैसे असहाय और सताए हुए लोगों के लिए ही है, आप एकदम चिंता मत कीजिए। और आप सच जानिए, अब हम आपको असहाय नहीं रहने देंगे। अरे ऐसे कितने दिन जिएंगे आप? बटन चाचा, हाँ? बटन चाचा, वो काशीराम कॉलोनी में कुछ लोग बहुत हंगामा मचा रहे हैं। पर क्यों, हुआ क्या? वो सुमित्रा चाची है ना, जिनकी लड़की को दिखाई नहीं देता, उनके घर में गलती से किसी ने मांसाहारी खाना दे दिया है। हाजी मुटन, हाय हाय, हाजी मुटन, हाय हाय, हाजी मुटन, हाय हाय, रोटी बैंक, हाय हाय, रोटी बैंक, हाय हाय, हाजी मुटन को गिरफ्तार करो। देखो यही है हाजी मुटन, जिसने हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का ठेका ले रखा है, यही है। शंकर, दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए, मुटन चाचा धर्म भ्रष्ट करने के लिए नहीं,
भूखों को पेट भरने के लिए ठेका ले रखे हैं, समझा क्या? तभी तो शाकाहारियों के घर में मांसाहारी खाना भिजवा दिया इन लोगों ने, तभी तो। देखो यारो, हम तो सबसे शाकाहारी खाना ही मांगते हैं, हो सकता है गलती से किसी ने मांसाहारी दे दियो। इसका ठेका तो तुम लोगों ने ले रखा है ना, अच्छा हुआ टाइम पर खाना नहीं खाया, वरना पता नहीं। भाई बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो? अरे मुट्टन चाचा कोई गलत काम थोड़ी कर रहे हैं। तो तुम ही बता दो कि क्या अच्छा काम किया इन्होंने, है बताओ। देखो बेटा, हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा ये ऊपर वाले को तय करने को, पर हम जो कर रहे हैं उसमें कोई शक और शुभा नहीं है, हम तो भूखों का पेट भर रहे हैं। हर घर से जो रोटियां मिलती हैं वो लोग देते हैं, हम तो सिर्फ बैंक बनाकर उसे गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुंचाते हैं। ये सोचकर भूखों का कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत ही धर्म है। बस प्रेम भाव बना रहना चाहिए। मुत्तन चाचा, अपनी भाषणबाजी बंद करो, हमें अच्छी तरह से पता है कि ये समाज सेवा क्यों की जा रही है। तुम समाज सेवा के बहाने अपनी रोटियां सेकने पे तुले हुए हो, बस और कुछ नहीं। क्यों भाइयों? बात कर शंकर, तू कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। तो अब तुम मुझे बताओगे हैं? अरे हम अपनी जवान तो संभाल लेंगे, पर उनकी जवान का क्या करोगे जो तुम लोगों की वजह से शाकाहारी से मांसाहारी बन गए? बताओ बताओ बताओ। अरे झूठ बोल रहे हैं ये। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, वहां पर उन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया। वन सेकेंड प्लीज, बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसमें मुट्टन चाचा जी की कोई गलती नहीं है, अगर गलती है हम सबका है। हम आप लोगों से माफी मांगते हैं, आगे से ऐसी गलतियां कभी नहीं होगी और इसका पूरी ख्याल रखा जाएगा। फादर, तुम्हारा उपदेश देना चर्च में ही अच्छा लगता है, रोटी बैंक में तुम्हारा क्या इंटरेस्ट है? जाओ अपना काम करो जाकर। शंकर, तुम्हारी नजरों में मुट्टन चाचा गलत हो सकते हैं, फादर गलत हो सकते हैं, हम सब गलत हो सकते हैं, पर उस परिवार से जाकर एक बार पूछना चाहिए हमें। क्या पूछोगे? अगर उन लोगों ने तुम्हें माफ नहीं किया तो? हाँ बोलो। अगर उन्होंने माफ नहीं किया तो हम ये काम आज ही बंद कर देंगे। अच्छा तो ठीक है, इसका फैसला आज और अभी ही हो जाए। क्यों भाइयों? बोलो। तो चलिए। चलो हाँ चलो चलो, चलो।, 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 चलो। अब देखना क्या हाल होता है रोटी बैंक वालों का। क्यों? वो लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अरे क्या खाक अच्छा काम कर रहे हैं? तू अपना मुंह बंद रख, कुछ भी बोलती रहती है। नहीं मैं नहीं बोल रही हूँ, वो लक्ष्मी बोल रही थी। लक्ष्मी कह रही थी? उस दिन इतना दिमाग खराब किया मैंने उसके साथ, इतना समझाया फिर भी नहीं समझी। वही तो कह रही थी कि शांति की बातों पे बिल्कुल मत आना, ना एक नंबर की। चुप कर। अच्छा तो उसने मेरा नाम लिया, ऐसा कहा उसने मेरे बारे में? पहले क्या बोला वो तो सुन लो, कह रही थी शांति एक नंबर की। चुप कर, तू उसके नाम का सिल्वर जुबली मनाएगी क्या? मैं जाती हूँ और जाकर पूछती हूँ उससे कि उसने क्या कहा। अरे मुझे भी ले चलो, मैं भी जाऊंगी, मैं भी पूछूंगी आखिर उसने ऐसा क्यों कहा। तू जाने दे, तू घर जा, मैं जाती हूँ और मैं जाकर पूछती हूँ। अरे अरे सुनो, कह रही थी शांति एक नंबर की चुगल घर औरत है। रुक जा मैं बताती हूँ, रुक। चुगल कौन बता रही? सुमित्रा चाची, अब तुम ही अपने मुंह से कह दो जो हम इन लोगों को इतनी देर से कह रहे हैं। तुम लोग ठहरे शुद्ध शाकाहारी और इन रोटी बैंक वालों ने आपके यहाँ मांसाहारी खाना भिजवाकर कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। क्या तुम इसके लिए इन लोगों को माफ करोगी? नहीं ना, कोई भी इंसान इतने बड़े पाप को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। सुमित्रा चाची, माना कि आप लोग गरीब हैं पर किसी के यहाँ भीख मांगने तो नहीं गई ना, इन्हीं लोगों ने आपके यहाँ जबरदस्ती खाना परोस दिया, अब इसमें तुम्हारा क्या कसूर चाची बताओ? हमने कब कहा इनका कसूर है? गलती हमसे हुई है, हम इनसे माफी मांगने आए हैं। इतने बड़े अपराध के लिए कोई किसी को माफ कैसे कर देगा बताओ? क्यों? अगर ये हमें माफ नहीं करेंगे
तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। आप ही मुट्टन चाचा हो? हाँ बेटा, लोग मुझे ही मुट्टन चाचा कहकर बुलाते हैं। हम तुम्हारे गुनाहगार हैं। खाना परोसते वक्त जो गलती हमसे हुई वो हमारी एक भूल थी, और उसी गलती के लिए हम सब आपसे माफी मांगने आए हैं। मुट्टन चाचा, आप माफी मांग के हमें शर्मिंदा ना करें। आप लोगों ने जिस तरह से हमारी मदद की है उसे हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते, और इसके लिए हम आपको सिर्फ दुआ ही दे सकते हैं। आपकी दुआ हमें कबूल है बेटा, और आपकी बेहतरी के लिए हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे। दो रोटी खिलाकर हम किसी पर एहसान नहीं करते हैं, बल्कि इंसानियत का फर्ज अदा करते हैं। तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो तो हमसे जरूर कहना बेटा। जरूर चाचा। हम जो काम करते हैं उसमें गलतियां हो सकती हैं, पर हमारी नीयत पे कभी शक मत करना। मेरा इस दुनिया में अपना कोई नहीं है, ये पूरा मोहब्बा ही मेरा है, मेरी मोहब्बत है, मेरी दुनिया है। मैंने कहा था ना, भूखे इंसान का कोई धर्म नहीं होता। आज की तारीख में एक धर्म के लोगों के चूल्हे पे बनी रोटियां दूसरे धर्म के लोगों का पेट भरती हैं। यही हिंदुस्तान है जिसमें रहकर हम फख्र महसूस करते हैं। बेटा, अगर फिर भी तुम्हारे दिल में कोई शिकवा या गिला रह गया हो तो हमें माफ कर देना। जगन्नाथ भाई, हम बड़ी मुश्किल से निकले हैं, अब सबसे यही गुजारिश करो कि हमें केवल और केवल शाकाहारी खाना ही दें, और अगर गलती से कोई दे भी दे तो हमें चेक करके उसे अलग कर देना चाहिए। बिल्कुल सही चाचा, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। सारे लड़के सचेत हो गए हैं, और आप शंकर जैसे लोगों को ज्यादा तरजीह मत दिया कीजिए। ऐसे लोगों की तो आदत होती है अच्छे काम में अड़ंगा डालने की। हाँ, पर हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे ऐसे लोगों के दिल में भी हमारे लिए मोहब्बत दिखाई दे। हम कुछ गलत काम तो कर नहीं रहे, अच्छा काम ही कर रहे हैं ना, और ये काम तभी आगे बढ़ सकता है जब सूबे के सारे लोगों का सपोर्ट हमें मिले। आपके ख्यालात काफी अच्छे हैं चाचा, अगर ऐसा हो गया ना तो पूरे गांव में क्रांति हो जाएगी। क्रांति, लोग थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके बैंक बना डालते हैं, आपकी वजह से दो दो रोटियां इकट्ठा करके हमने रोटी बैंक बना डाला। अब इसका विस्तार जरूरी है चाचा। ये सब तुम लोगों की मेहनत और हौसले की वजह से हुआ है। अब इस रोटी बैंक से सही और जरूरतमंद लोगों को रोटी मिलती रहे, बस यही ख्वाहिश है मेरी। किसने कहा था झूठ बोलने के लिए? बोल, किसने कहा था? सुमित्रा के घर वालों को तो कोई परेशानी नहीं थी, फिर मैंने कब कहा? वो तो शांति ने कहा था। अब उनका क्या होगा? उनका तो धर्म भ्रष्ट हो गया, अब वो जिएंगे कैसे? देख लिया आज, देख लिया, एक गरीब आदमी के लिए सबसे ज्यादा जरूरत रोटी की होती है, रोटी की, किसी और चीज की नहीं। मतलब अमीरों की जरूरत रोटी नहीं है, उनको भी तो भूख लगती होगी। चुप कर, दिमाग खराब मत कर, और हाँ, आज के बाद उस शांति से बिल्कुल बात मत करना, वरना देख लेना। नहीं, वो तब अकेली परेशान हो जाएगी, किससे बात करेगी? अरे जिससे भी करे, पर तू उसकी लाग लपेट में बिल्कुल मत आना। मैं कब आती हूँ? आप ही आ जाते हैं उसके लाग लपेटे में। अरे तुम ही तो आकर उसका लाउड स्पीकर बनती हो, तुम ही तो उसके बारे में आकर झूठ सच बताती हो कि नहीं, बताओ। ऐसा कैसे? उसने जो कहा है मैंने हमेशा वही कहा है, मैंने अपने मन से कभी कुछ नहीं कहा। अरे कुछ नहीं कह भी नहीं पाओगी तुम, सुनो जाकर दो रोटी ले आओ, जाओ। दो रोटी? रोटी बैंक वालों के लिए, सुना नहीं, सवाल नहीं, जाओ लेकर आओ। तो हाजी मुट्टन ने सबको अपने फेर में लपेट ही लिया, पता नहीं क्या होने वाला है हमारा।
कुछ ना होने वाला है, बस तुम ये उल्टा सीधा बोलना बंद कर दो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ लो कर लो बात, अब समाज की भलाई के लिए बोलना भी पाप हो गया समझो। और मैंने किसी के कान नहीं भरे थे, मैंने नहीं भड़काया था किसी को। भड़काया नहीं था? हाँ हाँ ठीक है भड़काया नहीं था, लेकिन कहा तो था कि मुन्नी के बापू को जाकर जरूर बताना। मैंने कब कहा था रे? हाँ कहा नहीं था, जब मैंने कहा था कि आज रात को जाकर सब बताऊंगी, तब क्या कहा था कि मुन्नी के बापू को जाकर जरूर बताना तब। हाँ तो तुमने कहा था तब मैंने कहा था, समझी? हाँ तुमने कहा था तभी तो मैंने कहा था। हे भगवान चुप, छोड़ दे। हाय दरिया, तुझसे तो कुछ बात करना ही बेकार है। अच्छा सुन एक बात बता। नहीं 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 आप मत बोलो, मुन्नी के बापू ने खास मना किया है, अब मैं चली। ओए चंगी तरह काम कर। ओए यशपाल ओए ठंड रखो ओए। काम करते हैं अनलाल। पूरा चेक करना। क्या हाल पाजी? क्या बात है पंकज, आ तू जल्दी लौट आया। क्या पाजी ना, कि अब रोज मैं इतने टाइम में आ जाया करूंगा। पहले ऑफिस से सीधा घर जाता था, उसके बाद यहाँ आता था। अभी काम भी ज्यादा हो गया है तो ऑफिस से सीधा यहाँ आऊंगा, उसके बाद घर जाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है? चंगी गल्ल। अरे चाचा जी, भाई मान गए माँ बाबा वालों को, वो अपने लिए खाना भले ही लेट से बनाए लेकिन हमारे लिए दो रोटियां टाइम पे बना के रखी देते हैं। चलो हमारी वजह से उनके घर में भी जल्दी खाना बनने लगा जी, ये तो अच्छी बात है ना। उनसे कहो रात का खाना शाम में ही खा लिया करें, सेहत के लिए अच्छा होता है। और देर रात को खाना खाना सेहत खराब करने की खुराक है। जी जरूर बताऊंगा। अच्छा मैं भी आप बताता हूँ। हाँ हाँ आजा आजा तू भी आजा। अरे पंकज तू भी आ गया जल्दी है। ओए गुरमीत आज तूने ही बहुत देर कर दी, अब रोटी देने वाले भी तो बढ़ गए हैं ना। हाँ ठीक है ना, अब थोड़ा टाइम तो लगता ही है। ये देखो किसी ने खाने में अंडे रख दिए हैं। बाप रे, थोड़ा ध्यान से चेक करो और सबसे गुजारिश करो कि हमें सिर्फ शाकाहारी खाना ही दें, शाकाहारी खाना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। ओ चाचा जी क्या बोल दे भयो, साड़ी सेहत एकदम चंगी भली है ना। ओए यशपाल ओए ओए तू कुछ भी खाएगा तो तेरी सेहत चंगी भली रहेगी ओए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग। कई लोगों ने आज चर्च आकर रोटियां दी है, हमारी रोटी बैंक की पब्लिसिटी बहुत अच्छी हो गई है। फादर क्या है कि रोटियां ज्यादा मिल रही हैं, तुम्हारी लिस्ट भी बढ़ती जा रही है। आज की डेट में हमारे पास 300 लोग हो गए हैं जिनके पास हमें रोटियां पहुंचानी है। 300 क्या 3000 भी हो जाए ना तो भी रोटियां कम नहीं पड़ेगी, देख लेना। मुट्टन चाचा मुझे माफ कर देना, मैंने आप जैसे नेक इंसान के बारे में पता नहीं क्या क्या कह दिया। चाचा बेटा जो होता है अच्छे के लिए होता है, अब तुम्हारी वजह से हमने भी ध्यान से काम करना शुरू कर दिया और आज तुमने ये रोटियां लाकर हमारा दिल खुश कर दिया है। हम चाहते हैं कि हर आदमी हमारा इस काम में सहयोग दे, तभी तो ये रोटी बैंक का सपना पूरा होगा। जरूर चाचा, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं भी आपके इस नेक काम में आपके साथ जुड़ना चाहूंगा। मैं भी आप ही की तरह लोगों के घर तक रोटी पहुंचाने का काम करूंगा। इसमें इजाजत की क्या जरूरत है, अपना काम समझकर करो, ऊपर वाला दुआ देगा। अरे चलो इससे पहले कि रात हो जाए हमें सबके यहाँ खाना पहुंचाना है। हाँ, हाँ, चलो, 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 चलो।
मुझसे कभी मन के विश्वास से उड़ने ख्वाबों को पर लगाए जो पर आकाश से दिशा संसार को चुनकर रहे दुश्वार जो और भाई कालू क्या हाल है तेरा है? अपना तो एकदम मस्त मजे में चल रहा है, तू बता। अरे काम करने की जरूरत क्या है, है? खाने को तो मिल ही जाता है ना, रोटी बैंक का नाम नहीं सुना तूने क्या? ले अबे वहां पर मुफ्त में रोटियां मिलती हैं, मुफ्त में, करना क्या पड़ता है, एक घंटे के लिए गरीब भिखारी बन जाओ। हाँ वो लोग फ्री में रोटियां ला कर देते हैं, मैं तो बोलता हूँ तू भी इधर ही आ जा, ऐश करेगा ऐश। अच्छा तो तू पिछले 5 दिनों से मुझे बेवकूफ बना रहा है। नहीं नहीं मैं तो सच में गरीब हूं। चुप, काम चोर कहीं का, काम करने में शर्म आती है, गरीबों का हक मारने में शर्म नहीं आती। अरे क्या हो गया तुम लोगों को, क्यों लड़ रहे हो? अरे चाचा पिछले 5 दिनों से ये मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, एक नंबर का झूठा है, अच्छे घर से, काम नहीं करना चाहता इसलिए घर से दूर भागता रहता है, और ये दोनों पिछले 5 दिनों से हमसे मुक्ति रोटियां खा रहे हैं और आज इसकी चोरी पकड़ी गई है। बेटा क्या हो गया जो उसने रोटियां खा ली, तो हमारी रोटियां कम तो नहीं हो गई ना? पर चाचा ये तो गलत है ना, कितनी मेहनत से लोग हमें रोटियां देते हैं और हम उनसे क्या बोलते हैं कि 2 रोटियां दे दो हम गरीबों में बांटेंगे, और ये कामचोर फ्री में रोटियां खाना चाहते हैं। देखो बेटा तुम लोग जवान हो, तुम लोगों को काम करना चाहिए, ऐसे अगर मुफ्त की रोटियां खाने की आदत पड़ गई ना तो जिंदगी भर के लिए निकम्मे हो जाओगे। पर हमारा रोटी बैंक उन लोगों के लिए है जो असहाय हैं, जो काम नहीं कर सकते। जरा सोचो, तुम उनका हक मार रहे हो जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। सॉरी चाचा से गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए चाचा। माफ तो बेटा सिर्फ ऊपर वाला ही कर सकता है, मैं तो मुसाफिर हूं इस दुनिया का, आज हूं कल चला जाऊंगा, बस इतना ख्याल रखना कि इंसानियत मरनी नहीं चाहिए। दुआ कर सकता हूं कि तुम लोग एक कामयाब इंसान बनो। मुट्ठन चाचा, कल आऊंगा आपके पास 2 रोटियां लेकर। भूखे का कोई धर्म नहीं होता, भूखों को खाना खिलाना ही सबसे बड़ा धर्म होता है। इसी पैगाम के साथ हम सब ने मिलकर महोबा में रोटी बैंक बनाया। आज इस रोटी बैंक से करीबन 300 से ज्यादा लोगों का पेट भरता है। हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमारे रोटी बैंक की ब्रांच इस पूरे देश में हो, ताकि कहीं भी कोई भूखा न सोए। शुरुआती दौर में लोगों तक पहुंचने में मुश्किल हुआ, पर आज और अब 2 रोटी देने की लोगों की आदत सी हो गई। यकीन मानिए कोई भी देश समाज से बना होता है, और कोई भी समाज उसमें रहने वाले लोगों की सोच से आगे बढ़ता है, और ऐसी ही सोच के साथ मुट्टन चाचा जैसे लोग बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के अपने अपने स्तर पर अपने अपने संसाधन के साथ एक बेहतर समाज और विकसित देश बनाने में अपना सब कुछ झोंक रहे हैं, इसलिए आज हम उन्हें दिल से सलाम करते हैं। अगली कड़ी में हम आपको फिर मिलवाएंगे किसी और वास्तविक नायक से। तब तक के लिए सलाम इंडिया।